अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सनाउल्ला। व्यूअर्स, आप लोग काफ़ी ईमेल्स वाले मसूल हुई हैं और काफ़ी व्हाट्सएप पर मैसेज भी आए हैं कि साद रहमान, जैसा कि सबको अलहमदिल्ला पता है कि मेरा बेटा, और उसने 10 साल की उम्र में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 200 अल्फाज फीमेल टाइप की, और उर्दू में भी आप अलहमदिल्ला उसकी 170 अल्फाज फीमेल टाइपिंग स्पीड है। तो सब लोगों की ख्वाहिश है, खासकर बच्चों की, वो उस जैसा टाइप करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने यूट्यूब चैनल अपना बनाया है, साद रहमान YT चैनल। उस चैनल पर हम उस लेक्चर शुरू कर रहे हैं टाइपिंग टिप्स के। आज हम आपको पहला लेक्चर टाइपिंग टिप्स का देंगे। व्यूअर, जो पहला लेक्चर है, पहला लेसन टाइपिंग का, तो उसमें मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये हमारी बेस है। बेस जितनी मजबूत होगी, हम उतना ही आगे कामयाब होंगे, हमारे लेसन में आगे उतनी आसानी पैदा होगी। टाइप को बहुत से लोग बहुत मुश्किल समझते हैं, जबकि अगर इसको हम तरतीब से करें तो उस हिसाब से ये कोई मुश्किल नहीं है। साद रहमान, जिसने इतनी स्पीड 3 महीने में कवर कर ली, उसके भी यानी कि हमने जो टिप्स दिए थे, मैंने उसको टिप्स दिए थे, उसने टाइप की और अल्हम्दुलिल्लाह उसने पूरी दुनिया में अपना नाम ला लिया। तो मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि जो पहला लेसन है, पहला लेक्चर है, वो हमारी बेस है, जिसे हम कहते हैं होम। उसको हमने मजबूत अच्छे तरीके से टाइप करना है, और उस तरह टाइप करना कि जो हमारी जो 8 उंगलियां, इन उंगलियों में वो लेसन रच जाए, हम आंख बंद करें और हमें पता हो लफ्ज सलाम पर आए और फौरी क्लिक वो फिंगर कर दे। इसलिए व्यूअर्स, जो पहला लेक्चर मैं देने जा रहा हूँ, वो आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखकर स्टार्ट करना है। और सबसे मेन बात जो मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि जो पहला लेक्चर होता है, या आगे भी जो लेक्चर आएंगे, हम जो उसकी बेस बनाएंगे, जो हम उसको इस तरह टाइप करेंगे कि बार बार हम फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा टाइप कर लिया तो हम कहते हैं जी हमें ये लेक्चर तो आ गया, हम आगे चले। ऐसा नहीं है व्यूवर्स, उस लेक्चर को पहले तो हमने स्लो स्लो टाइप करना है, और दूसरा ये कि हमने अपने माइंड से आगे नहीं जाना कि हम इसे तेज करें। हमारी जो हाथों की उंगलियां है, वो खुद तेज जाएंगी तो बात बनेगी। अपने माइंड से हाथ को तेज नहीं चलाना। जिस तरह हम आपको टिप्स दे, आपने उसी मुताबिक ही चलना है। और हम इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाते हैं कि आप इस 9 लेक्चरों में एक बेहतरीन टाइपिस्ट बनकर सामने आएंगे, और इनके बाद हम मजीद भी आपको लेक्चर देते रहेंगे। टेस्ट कैसे क्लियर करना है, उर्दू को कैसे इंक्रीज करना है, कंपोजिंग के मुतालिक, वर्डिंग के मुतालिक, इंशाल्लाह ताला आप एक परफेक्ट टाइपिस्ट बन लेंगे। आइए व्यूअर्स, अब हम आपको पहला लेक्चर देते हैं, तो आप हमारे साथ रहिएगा। जी व्यूवर्स, अब ये मैं आपको कीबोर्ड की थोड़ी सी बेस समझा दूं, ताकि आप कीबोर्ड के, तो ये व्यूवर्स, ये 3 लेंस है जो इसको हमने हैंडल करना है, 1 2 3। ये जो सेंट्रली लेंस है, ये हमारा होम है, इसे हम कहते हैं होम। होम में हमने ये सारा लेसन टाइप करने, होम से ही हमने आगे पीछे जाना है और होम में ही रहना है। और सबसे मेन बात जो है कि जो हमने हाथ रखना है, ये देखिए व्यूवर्स, ASDF सेमिकोलन LKG, ये हमारा पहला लेक्चर है जो हमने टाइप करनी है। बार दफा आपको मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि हाथ को रखने का ग्रिप जो होती है, ये बार दफा इस तरह रखते हैं, बार दफा इस तरह रखते हैं, नहीं, इसको थोड़ा सा स्टे ले लेना है, जो नीचे मेज वगैरह की जो वहां पर स्टे ले लेना है, तो रखना हाथ ऐसे है, ताकि ये देखें ऐसे टाइप करनी है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो पहला लेसन है, ये हमारा दरमियान सेंटर लाइन है, होम है, इसे हम कहते हैं। कोई भी आपने इसको कवर करना है, तो ये हमें सेंटर लाइन चूज करनी पड़ेगी। तो ये सेंटर की पहला लेसन हमारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ASDF। अब ASDF A2 हो गया पैरा। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है मोहम्मद सलाउल, ASDF मोहम्मद, आगे करना है स्पेस सेमिकोलन LKJ, ये सेमिकोलन के जी सनावला, यानी कि ये पहला नेम और ये दूसरा नेम, ये गैप स्पेस, स्पेस का जो थंब इंप्रेशन है, ये जो थंब है इसके स्पेस हमने डाला है, बाद की लेफ्ट की आदत पड़ जाती है, बाद की राइट की, खैर आपने थंब से डाला है। तो जो ए, अब मैं आपको दोबारा थोड़ा सा आप इसको डीपली चेक करें, जब मैं फिंगर को खासकर ध्यान में रखें, जब मैं फिंगर को कर रहा हूँ टच ए, ये जो बाकी जो 3 लेने हैं, इसे हमने थोड़ा सा इजी रख देना, ये 3 फिंगर जो है ना, इसे हमने इजी रखना है, ASDF। और ये जो देखिए, जब मैं दूसरा था, वो यही पर है, कि हमने ये लेसन कर देना, ये स्नाइप पर कर दे, इसे यही पर लिखना है, स्पेस सेमिकोलन LKJ स्पेस, देखिए ए हाथ वहीं पर रहना है, ASDF स्पेस सेमिकोलन LKJ स्पेस। व्यूअर्स, यहां पर एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ, वो अपने
जरा अच्छे तरीके से माइंड में उठा रहे हैं ना कि जो लफ्ज आपने टाइप किया है आपने आंख बंद कर वो टाइप नहीं करना, आपने वो जबान से रिपीट तो करानी है और स्पीड को बिल्कुल स्लो करना है। इसको ये नहीं कि 5-7 मिनट आपका हाथ सेट होगा उसको स्पीड से करने रखना है। स्पीड हमें जब चाहिए लास्ट लेसन के बाद, जब हम बुक्स पर आ जाएंगे फिर हमें स्पीड चाहिए, फिर आप हाथ तेज चलेगा तो कमाल होगा। यहाँ पर हाथ तेज चलाना कोई कमाल नहीं, यहाँ पर हमें अपनी बेस सेट करनी है। ए एस डी एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे स्पेस ए एस डी एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे स्पेस। हाथ हमारा उधर जो इस तरह जिस तरह मैं अपने हाथ आपको दिखा रहा हूँ सेम आपने इसी पोजीशन में रखना है ताकि आपकी जो ग्रिप है वो बन जाए, क्योंकि टाइपिंग का जो रूल्स है अगर आप इसको इसके मुताबिक हाथ पर नहीं करेंगे तो आपकी कहीं जाकर 2-4 मिनट स्पीड बढ़ भी गई तो वो एक जगह रुक जाएगी। अगर आप हमारे टिप्स के मुताबिक चलेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप अपनी 100 तक इजी स्पीड लेकर जा सकते हैं। फिर टाइप करें ए एस डी एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे स्पेस। दोनों हाथ वहीं पर रखने हैं, यानी कि ये मैंने इस हाथ को मैंने प्रेस करना तो ये छोड़ देना है, इसको करना ये हाथ हमारे वहीं रहने हैं। अगर हाथ हमारे वहां पर ग्रिप बन गई तो आप एक कामयाब टेस्ट पिस्ट बन जाएंगे। ए एस डी एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे स्पेस ए एस डी एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे स्पेस। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लेसन मैंने आपको पहला दिया ये कम से कम आप जब भी फ्री हो 10-15 मिनट 20 मिनट एक दिन करें, और ये नहीं कि 10 मिनट कर लिया और ये आ गया तो मतलब ये जो हमारे हाथों की उंगलियां ये लफ्ज हमने इसमें रचा रहे हैं इनको लफ्जों को पता चले, एक जबरदस्त टाइप वो होता है कि अगर उसे स्पेलिंग नहीं आती उसके ब्रेन में नहीं आते तो वो टाइप के जरिए वो स्पेलिंग को बता देता है कि ये स्पेलिंग है, उसे एक टाइपिस्ट कहते हैं। तो हम आपको वो टाइपिस्ट बनाना चाहते हैं कि जो एक मिसाली टाइपिस्ट हो, आप टेस्ट जाए वो क्लियर टेस्ट कर दें और अपनी मुलाजमत कर लें या अपना कारोबार करें तो आपको कोई टाइप कराए तो पता लगे भी एक टाइपिस्ट कामयाब टाइपिस्ट टाइपिंग कर रहा है। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको पहला लेक्चर पसंद आया होगा, बाकी लेक्चर के लिए आप हमारे साथ रहिएगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको दे रहे हैं, अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स मैं एक आपको रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है साधु रहमान ने जो क्रिएट किया है उसके नाम से है और वो भी आपको लेक्चर देगा, फेसबुक पर भी ऑनलाइन लेक्चर देगा। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स में अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो कोई बात पूछनी है तो वो भी हम जवाब देंगे, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया।